नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ध्रुपद के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ध्रुपद आखिर में है क्या। बताना चाहेंगे कि ध्रुपद पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। बताना चाहेंगे कि इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये शिष्या है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। इन्होंने कई शोध पत्रों में अपना योगदान दिया है, बहुत सी किताबें लिखी हैं संगीत पर। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको वक्त मिलेगा आप ज़रूर इन किताबों को, इन शोध पत्रों को ज़रूर पढ़ेंगे। बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से इनका साथ देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तबले पर लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, लाल बाबू राय जी का और गगनजीत कौर जी का। आप सभी का स्वागत है। और सरिता जी, हर बार की तरह हम यही चाहेंगे कि आपसे हमें एक बार फिर बहुत सी जानकारी मिली ध्रुपद पर, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते हैं और बहुत से विषयों में जानकारी चाहते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से भी उनकी जितनी भी जिज्ञासा है वो तृप्त हो। जी हाँ, जिज्ञासा जो है वही आविष्कार की जननी है, वही जो है ज्ञान की जननी है। ज्ञान जो है जितना लिया जा सके, जितना अर्जित किया जा सके, वो उतना ही कम होता है। तो ज्ञान की जहाँ तक हम बात करें, हम क्योंकि संगीत विषय की बात कर रहे हैं, तो संगीत को जब हम जानने की बात करते हैं, संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा या एक शैली जो है वो ध्रुपद के नाम से जानी जाती है। तो हम कहते हैं कि गंभीरता, शुद्धता और उच्चता, ये तीनों की मिलन स्थली जो कि संगीत, भारतीय संगीत के वाङ्मय में जो एक बहुत ही आदरणीय स्थान जिसको मिला है, उस शैली का नाम है ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली जो है इसका जो संबंध है वो भारत के इतिहास में हम लें तो मध्यकाल से इसका संबंध माना जाता है। जहाँ तक की बात करें कि वर्तमान समय में जो ध्रुपद गायन शैली जो है, जो इस समय जो प्रचलित है, वो उसी ध्रुपद शैली जिस जो मध्य समकाल में जो जिस प्रकार से आई सामने और जिस प्रकार से विभिन्न कलाकारों ने, विभिन्न संगीतज्ञों ने, गुणियों ने उसको जिस प्रकार से सहेज के रखा, ये धरोहर जो है आज भी निरंतर उसी रूप में प्रवाहित चली आ रही है। और हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं तो ध्रुपद शैली से पहले जो है, काफ़ी पहले जो बात करते हैं, वो जाति गायन जो था वो प्रचलित था। तो जाति गायन की जब हम बात करते हैं तो वो साधारण सी बात है कि भरत काल का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि भरत मुनि ने जो है जाति गायन के बारे में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में पूरा वर्णन किया है। और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हम कहें कि उस समय से लेके आधुनिक समय तक ध्रुपद को बहुत ही आदरणीय जो है, बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल इसको एक स्थान प्राप्त है। और ऐसा भी इस आदर की दृष्टि से देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि प्रतिपादम यत्र बद्धमेव पाद चतुष्टयम उद्ग्राह ध्रुवका भोगोत्तम ध्रुवपदम स्मृतम। देखिए, ध्रुपद जो है, हम आज के ज़माने में हम जब जल्दी में बोलते हैं तो ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन बोलते हैं, तो ध्रुपद जो है वास्तव में ध्रुवपद शब्द है। ध्रुवपद में ध्रुव और पद इन दोनों का समावेश है। ध्रुव का अर्थ जो है वो है अटल, स्थिर, अचल, और पद का जो है अर्थ है उस गीत से या उन पंक्तियों से जिसको जो कि गेय है, जो कि जिनको गाया जा सके। तो शब्दार्थ जो इसका लिया है वो इस प्रकार से हो सकता है कि वह पद जो कि निर्धारित या निश्चित हो,
उसे ध्रुपद कहते हैं, यानी कि क्या निर्धारित है और क्या निश्चित है, यह हमें आगे जो मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ निर्धारित है, क्या चीज़ निश्चित है। तो ये इसको जानने के लिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो हमने जान लिया, इसको आगे डिटेल में जानने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद की जहाँ तक बात की, इसकी बहुत सी परिभाषाएँ जो हैं, पहले हम क्योंकि हम इसका इतिहास भी लेते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो हमें समझ में और अधिक और सुंदर तरीके से आएगा। तो हम जहाँ तक इतिहास की बात करते हैं तो उसमें बहुत से ग्रंथकार हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें ध्रुपद के बारे में बताया गया है, ध्रुपद कब हुआ, जन्मा, किसने उसको उसका आविष्कार किया, बहुत सी बातें उसमें बताई गई हैं। तो हम कुछ ग्रंथकारों, कुछ ग्रंथों के बारे में पहले हम उसके उसमें लेते हैं कि क्या उसकी परिभाषाएँ किस प्रकार से इन ग्रंथों में दी गई हैं। तो राग दर्पण में जो है फ़कीरुल्ला ने कहा है कि ध्रुपद पंक्तियों की ये रचना है जिसमें छंद बंधन अनिवार्य नहीं, जिसका विनियोग सभी रसों में किया जा सके, सुदेश की भाषा हो व क्षेत्र निश्चित हो। तो इतनी सुंदर जो है इन्होंने परिभाषा जो है राग दर्पण में दी है। मियाँ तानसेन, जिनको कि संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्राट कहा जाता है, उनके अनुसार क्या कहा गया है कि चार तुकों की रचना जिसमें सभी शुद्ध अक्षरों से जो युक्त हो और अच्छे गुरुओं के शिष्यों द्वारा विरचित जो राग व नव रसों में से किसी एक रस पर सामान्य रूप से सामंजस्य स्थापित करता है वह ध्रुपद कहलाता है। तो कितनी सुंदर परिभाषा इन्होंने दी है कि इसमें एक दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि अच्छे गुरुओं के शिष्यों द्वारा विरचित, यानी कि ये पंक्ति जो है वो इतनी गूढ़ है, इसमें रहस्य इतना गूढ़ है कि अच्छे गुरुओं द्वारा के शिष्यों द्वारा विरचित, यानी जो गुरुओं की जो तालीम गुरु शिष्य परंपरा में जो आगे गई है, तो जहाँ पर गुरु का ये एक उसका एम होना चाहिए ज़िंदगी का कि भाई वो शिष्यों को बहुत खूबसूरत तरीके से सुंदर तालीम उनको दे, और ये धरोहर जो गुरु की जो जीवन भर की जो एक उसका सार है उसके जीवन का, वो जब शिष्यों को देता है तो शिष्यों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको उतनी ही सुंदर तरीके से संजो कर सहेज कर उस धरोहर को आगे पहुँचाए। तो सुंदर तरीके से तभी वो विरचित होगा जबकि उनको पूरी तरीके से उसका ज्ञान होगा। तो जो भी चीज़ ध्रुपद जो है शब्द या ध्रुपद की शैली में उसके लिए अनिवार्य है, उसके शिक्षण के लिए जो अनिवार्य है, वो सब तभी पूरा होगा जब शिष्य की तालीम पूरी हो। तो शिष्य की जो तालीम है वो गुरुओं के द्वारा जो भी तालीम उनको दी गई है और शिष्य ने जब वो पूरी उसको ग्रहण की और उसमें पूरी तरीके से मेहनत की, उसको वो उतनी ही सुंदरता से, उतनी ही निस्वार्थ भाव से उसको जो आगे प्रस्तुत करता है, उनके द्वारा जो विरचित और रचना वो तभी कर सकता है जबकि उसको पूरी मास्टरी हो। देखिए एक बहुत विरचित शब्द जो आता है, रचना तब होगी जबकि उसको सब चीज़ों में मास्टरी होगी। तो उसकी शिक्षा लेकर और अपने अभ्यास को लेकर, यानी कि आपको शिक्षा तो मिल गई लेकिन जब तक आपने चिंतन नहीं किया, जब तक आपने अभ्यास नहीं किया, अभ्यास यानी आपने रियाज नहीं किया, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की, उसके बाद आप उसमें अभ्यस्त हुए, तब जाकर आप विरचित तक पहुंचेंगे, तब जाकर आप उस कुछ और जो है आगे रचना कर पाएंगे। तो ये पंक्तियों को भी समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मियाँ तानसेन ने कहा है। और इसके बाद अबुल फजल ने कहा कि ये ध्रुवपद ना होकर विष्णु गीत हैं जिसे कलावंत गाते थे, परंतु अधिकतर संगीतकारों का इस बात को लेकर मतैक्य नहीं है, वे इस बात को, इस मत को नहीं मानते। पंडित भातखंडे जी वो क्या कहते हैं, पंडित भातखंडे जी ने कहा है कि ध्रुवपद ऐसी गेय रचना है जिसमें स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग ये चार भाग या प्रथम दो भाग यानी स्थाई और अंतरा ये दो भाग जिसमें होते हैं और जिन्हें चौताल, सूलपाक, झंपा, तेवरा इत्यादि तालों में जिनको गाया जाता है। तो ये परिभाषाएं जो हैं
विद्वानों ने दी है ध्रुपद के बारे में। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें, जो भी ध्रुपद गायक हैं उनको यदि हम सुने और ध्रुपद सीखने का प्रयास करें, तो ये परिभाषाएं कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल सत्य जान पड़ती हैं और प्रैक्टिकल वो हैं जो सामने दिखती हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है ध्रुपद के आविष्कार के बारे में। इसके आविष्कार को लेकर भी बहुत से मत हैं, तो हम सभी मतों को तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ मेन मेन जो हैं, प्रमुख जो हैं, उनको हमने लिया है। इसमें सबसे पहले कहा गया कि 15वीं शताब्दी से पहले इसका कहीं उल्लेख नहीं है, अतः उससे पहले आविष्कृत हुआ होगा ऐसा नहीं कह सकते। ये जो है ऐसा उससे पहले आविष्कार हुआ ऐसा विद्वान नहीं मानते, तो ये भी एक मत है। दूसरे मत के अनुसार कि इससे कुछ पहले जो है ये इसका प्रचलन जो था वो था, लेकिन बहुत कम था, यानी 15वीं शताब्दी से पहले जो इसका प्रचलन था बहुत कम था, ऐसे कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन अधिकतर इससे इसमें मतैक्य नहीं है। जो सबसे अधिक जिसको माना जाता है वो है कि ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर, जिनका समय 1486 से 1517 तक का रहा है, इनके द्वारा ध्रुपद का आविष्कार हुआ ऐसा माना जाता है। एक और मत है कि इन्होंने अपने दरबार में, जहां बख्शु जैसे गायक थे, महान कलाकार थे और भी बहुत से विद्वान थे, उनकी सहायता से इन्होंने जो है ध्रुपद का प्रचार किया, ये भी एक मत है। और राजा मानसिंह तोमर कृत मान कुतूहल नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें कि ध्रुपदों का जो संग्रह है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ध्रुपद के मामले में, तो उसके संदर्भ को लेते हुए जो विद्वान जो मानते हैं वो यही कहते कि राजा मानसिंह तोमर को इसके आविष्कार से जोड़ा जाता है, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि आम जनता तक ये विधा, ये शैली पहुँचे। राग दर्पण में फकीरुल्ला ने भी इसी मत को जो है बताया है, उनके अनुसार भी राजा मानसिंह तोमर से इस ध्रुपद के आविष्कार को जोड़ा गया है। अब मध्यकालीन संस्कृत के ग्रंथों में सर्वप्रथम अहोबल द्वारा रचित संगीत पारिजात में ध्रुपद का उल्लेख है। उन्होंने क्या कहा है, औंतरादिक भाषार्भियंतु ध्रुवपदम स्मृतम, अर्थात उत्तर की भाषाओं में ध्रुपद पाए जाते हैं। इसका मतलब उत्तर की भाषा, यानी उत्तर भारत में जो बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें ध्रुपदों का निर्माण या उनकी रचनाएं होती हैं, ऐसा अहोबल, पंडित अहोबल का मत है। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी के अंत में भावभट्ट कृत अनूप संगीत रत्नाकर में किस प्रकार की व्याख्या मिलती है, इन्होंने काफ़ी विस्तार से व्याख्या दी है, हम उसको बहुत ही संक्षेप में आपको बताते हैं। इन्होंने कहा है, गीर्वाण मध्य देशीय भाषा साहित्य राजितम द्विचतुर वाक्य संपन्न नर नारी कथा श्रयम। आगे इन्होंने कहा है, जिसमें एक जिस्ट की तरह मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, अंत में उन्होंने कहा है, उद्ग्राह ध्रुव का भोगांतर ध्रुव पदम स्मृतम, अर्थात ध्रुपद मध्य देश में गाया जाता है, इसकी भाषा मध्य देशी यानी ब्रज भाषा होती है, और इसी भाषा में इसका साहित्य होता है। दो या चार वाक्य युक्त विषय वस्तु जो है इसकी नर नारी कथाओं पर आधारित होता है। यह पद उद्ग्राह ध्रुव आभोग व अंतर से युक्त होते हैं। तो इसमें ध्रुपद के बारे में पूरी जो जानकारी है उसमें दे दी गई है कि ये चार या दो जो है पंक्तियों से युक्त ये एक गायन विधा है, जिसमें कि विषय वस्तु जो है वो किस प्रकार की है वो भी बताया गया है, मध्य देशी भाषा यानी ब्रज भाषा में होती है ये भी बताया गया है, और नर नारियों द्वारा जो है उनका जो उनकी कथाओं पर आधारित जो साहित्य है उसको इसमें बताया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन जो है ध्रुपद के बारे में दिया गया है। ध्रुपद जो है वो वर्तमान समय में जो ध्रुपद गायकी है
वो मध्यकाल में तो ये गायकी बहुत अधिक प्रचलित थी। जहाँ तक हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मियाँ तानसेन का नाम लिए बिना उस समय को के संगीत को जाना नहीं जा सकता। मियाँ तानसेन जो हैं वो ध्रुपद गायक थे, और उस समय ध्रुपद के साथ साथ वीणकार यानी वीणा वादन, जो उस समय वीणा के साथ जो है बीन पर जो इसको शाब्दिक या के सरल भाषा में इसको बीन कहा जाता था, बीनकार लोग यानी जो बीन को बजाते थे, तो इस पर बीनकार लोग जो थे, जो ध्रुपदीय थे, वो इसका गायन करते थे, बीन जो है उस पर इसको बजाते थे। और ये जो प्रथा थी मध्यकाल में, या मैं जब मियाँ तानसेन जी की बात करती हूँ, बहुत ही उच्चता की जो पराकाष्ठा होती है, बिल्कुल श्रेष्ठतम शैलियों में से इसको जाना जाता था। दरबारों में ध्रुपद गायन होता था, और ध्रुपद गाते समय जो थे पखावज का प्रयोग होता था। तो पखावज का प्रयोग आज के समय में भी होता है। ध्रुपद गायन किस प्रकार होता था, ध्रुपद गायन में और क्या विशेषताएं थी, इसको हम आगे जानेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि मध्यकाल में ध्रुपद गायन जो था वो प्रचलित था, मध्यकाल से आधुनिक समय तक ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। और बहुत से ऐसे घराने हैं, कुछ घरानों ने तो इसको अपना एक तरह से जैसे कहते हैं पूजा होती है, या हम अपना पूजन करते हैं किसी चीज़ का, तो वो पूजा का ही एक माध्यम उन्होंने इसको माना है, वो उसी प्रकार से वर्शिप करते हैं इसको, और ये उसी का ही परिणाम है जो कि वर्तमान समय में ध्रुपद का जो हमें रूप दिखाई देता है वो उनकी उस समय से जो परंपरागत रूप में इसको जिस प्रकार से उसको सहेज के, जिस प्रकार से मेहनत से जो है रियाज द्वारा उसको रखा गया, और शिष्य परंपराओं के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया, तो ये आज भी हमें जो ध्रुपद का आज जो रूप हमें दिखाई देता है ये उसी समय की मेहनत है जो आधुनिक समय में ध्रुपद आता है। अब हम कहें कि आधुनिक समय में जहाँ तक ध्रुपद की बात करते हैं, तो ध्रुपद ऐसा नहीं कि ध्रुपद का लोप हो गया। ध्रुपद गायकी जो है वो बहुत ही मेहनत चाहती है। ध्रुपद गायकी एक बहुत ही शुद्ध जो है गायकी है। ध्रुपद शैली जो है इसी शुद्धता को जो है वो मेंटेन कर, यहाँ पर शुद्धता के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जो शुद्धता है वो उसको निरंतर बरकरार रखना होता है, ये इसकी पहली जो है इसका नियम है। तो इसीलिए ध्रुपद जो है, जब हम ध्रुपद को सुनेंगे, जब हम ध्रुपद को जैसे कहते हैं किसी चीज़ का भी हम टेस्ट डेवलप करते हैं, तो हमें एकदम से वो अच्छा नहीं लगता, उसका धीरे धीरे टेस्ट। तो वर्तमान पीढ़ी को भी यही निवेदन मैं करूँगी कि ध्रुपदों को जितना अधिक सुनेंगे आपको ये शैली उतना समझ में आएगी, और उतना ही आप उसमें रसमग्न होंगे। तो आज के वर्तमान समय में जो ध्रुपद गायक हैं, बड़े बड़े नामी ध्रुपद गायक हैं, वो इसी परंपरा को, उनके आप कभी उनसे मिलें तो वो यही बताएंगे कि हमारी 9 पीढ़ी या 8 पीढ़ी या 10 पीढ़ी हमारी, तब से हम ध्रुपद जो शैली है उसी में अपना गायन कर रहे हैं। तो ध्रुपद जो है ये बहुत ही सुंदर शैली है, और आगे चलकर जो ख्याल शैली आई, ख्याल शैली का जो एक जो जो परंपरा जो आगे विकसित हुई, उसका गुरु कहें या उसका हम कहें कि कहाँ से वो पनपी, वो इसी ध्रुपद शैली से। तो जैसे हम कहते हैं मियाँ तानसेन की बात करते हैं, मियाँ तानसेन के समय में, मियाँ तानसेन की परंपरा दो भागों में विभक्त हुई, एक तो ध्रुपद गायन जो था, और दूसरा जो था वो सेनिया घराना के रूप में जो है वो आ गया। तो ये एक अलग विषय है, जब हम घराने की चर्चा करेंगे, घरानों के बारे में जानेंगे, वहाँ आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज भी जो वाद्य है वो भी ध्रुपद परंपरा का जो है उसको फॉलो करती है, और गायन तो ध्रुपद परंपरा को फॉलो करता ही है, क्योंकि जिस प्रकार से ध्रुपद परंपरा में गाने की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से आवाज़ लगाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार से गमकों का इस्तेमाल है, जिस प्रकार से शब्दों की शुद्धता, जिस प्रकार से साहित्य और संगीत का एक मिलन है, वो उसको यदि जान ले तो आगे की शैलियों को जानना बहुत आसान हो जाता है। तो हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ध्रुपद की जब बात करें तो ध्रुपद में हम उदाहरण के साथ यदि देखें तो ध्रुपद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले प्रस्तुत करती हूँ राग भोपाली
में एक ध्रुपद, और उसको ध्रुपद गाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहले बात आती है कि ध्रुपद में जब हम ध्रुपद गायन शुरू करते हैं तो ध्रुपद गायन में सबसे पहले आलापचारी की बात आती है, यानी हमने जहाँ इंट्रोडक्शन देना है राग का, तो आलाप, यहाँ पर आलाप बहुत है, आलापचारी जो है वो प्रमुख है। तो आलाप की जहाँ तक बात करते हैं तो ये आकार में आलाप कभी नहीं होता, नोम तोम का आलाप होता है। नोम तोम का आलाप क्या है? नोम तोम का आलाप जो है वो वास्तव में मंत्रों का उच्चारण था। मंत्र जो थे उस समय जो संस्कृत के मंत्र हुआ करते थे उनका उच्चारण आलाप के फॉर्म में किया जाता था। तो ये मंत्र जो थे आगे चलकर ऐसा समय आया कि धीरे धीरे जो है लोग इन मंत्रों को भूलते गए, तो उस उन्होंने इस इसके इनके अर्थों को भूलना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे साहित्य को अधिक जोर न देकर संगीत को जो है उन्होंने ज़्यादा प्रमुखता दी। तो उसकी वजह से साहित्य जो वो कहीं पर ख़ास तौर पर जब इन इन संस्कृत के मंत्रों की मैं बात करती हूँ, ये मंत्र कहीं पीछे रह गए और संगीत पक्ष जो है वो कहीं आगे उस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। उसके परिणाम स्वरूप संस्कृत के इन मंत्रों का उच्चारण जो है वो बिल्कुल अलग होता चला गया, और जब वो और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा तो उसके अर्थों को तो न जानते हुए उसमें अनभिज्ञता होते हुए सिर्फ उस उन अक्षरों को लेके आलापचारी की जाने लगी, और ये आगे चलकर नोम तोम के आलाप कहलाए। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक मंत्र है वो है ओम अंतरे त्वम, यानी हे ईश्वर तुम मेरे भीतर हो। ये एक छोटा सा मंत्र है जिसको कि आगे चलकर नोम तोम के आलाप में किस प्रकार से इसको लिया गया, एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रही हूँ। और उसके बाद भोपाली राग में जो है ध्रुपद आपको गाकर बताएंगे, तो आपको ये और अधिक तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साथ ही ये बताऊं कि तबले पर, क्योंकि पखावज हमेशा ध्रुपद का की संगति के रूप में हमेशा पखावज वाद्य को लिया जाता है, और पखावज क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडियो में पखावज अवेलेबल नहीं, तो हम तबले पर जो है उसको बताएंगे। ध्रुपद का के साथ जो वादन होता है, ताल जो है वो चार ताल या चौताल है। चार ताल के विषय में आपको जो ताल प्रकरण की जो मैंने आगे सीरीज पहले दे चुकी हूँ उसमें आपको बताया है, तो चौताल को इस पर इसके साथ संगत के रूप में इस ध्रुपद के साथ बजाया गया है। देखिए इसकी जहाँ तक शब्दों की बात की जाए तो बहुत सुंदर शब्द हैं। तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तू ही पवन तू ही अगिन, तू ही आप तू आकाश, तू ही धरणी यजमान। अंतरा है भव रुद्र उग्र सर्व, पशुपति सम समान, ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम। तो इसके विषय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले उदाहरण के तौर पे नोम तोम का आलाप जो है उससे शुरू करके ध्रुपद पर हम आते हैं। Yeah.
No.
नाम ध्रुपद का एक उदाहरण। ध्रुपद की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसको अन्य गायन शैलियों से जो है उसको अलग करती है। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है उसकी विषय वस्तु, यानी उसका विषय क्या है। तो ध्रुपद अधिकतर जो है वो उसकी विषय, उसका जो विषय होता है वो भक्तिप्रद है। भक्ति के अलावा और भी विषय हैं, जैसे ईश्वर स्तुति या राजाओं की प्रशस्ति, मंगल उत्सव या संगीत शास्त्र के अनुसार, यानी कि जैसे कि संगीत में जो रागों के जो लक्षण हैं या संगीत के कुछ इस प्रकार से शास्त्र से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, वो भी विषय वस्तु के रूप में ध्रुपद में आती हैं। अधिकतर ध्रुपद जो है, जैसे मैंने कहा, कि भक्ति रस में या भक्ति प्रधान है। इसके अलावा ध्रुपदों में गमकों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी गायन में डीप ब्रीदिंग लेके, डीप ब्रेथ के साथ, जैसे कहते हैं कि सांस हमने अंदर ली और नेवल से सांस बाहर आती है, तो गमकों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। गमक बहुत से प्रकार के हैं, मुख्यतः 15 प्रकार के गमकों का वर्णन जो है भारतीय संगीत शास्त्र में किया गया है। तो इनका, गमकों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसके विपरीत जो है खटके, मुरकियाँ, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक कंपन जो है, विशेष कंपन, इनको ध्रुपदों में इनका इस्तेमाल नहीं होता। ध्रुपद जो है उसमें आकार में जो आलाप है वो नहीं की जाते। नोम तोम के आलाप, जैसे मैंने आपको बताया, नोम तोम का आलाप जो है वो विशेषकर संस्कृत मंत्रों का उच्चारण उसमें किया जाता था, तो आलापचारी जो है नोम तोम का आलाप इसमें लिया जाता है। ध्रुपद गायन समय के समय सरगम का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है, यानी सरगम का प्रयोग नहीं किया जाता, और इसमें हम कह सकें कि ताने जो है बिल्कुल उसमें नहीं ली जाती। ध्रुपद गाते समय हम जो हमारी जो जो प्योरिटी है, जो जिस, क्योंकि ये जो शैली है इसको बहुत प्योर शैली माना गया है, प्योरिटी का ध्यान हमें, चाहे वो राग पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो ताल पक्ष की तरफ से हो, या ध्रुपद से संबंधित और भी कोई नियम है, उस प्योरिटी को जो है वो लगातार उसकी शुद्धता को बरकरार रखना पड़ता है। ध्रुपद के संगत के रूप में पखावज जो है उसका इस्तेमाल जो है, पखावज जो है वाद्य, वो प्रयोग किया जाता है।
ध्रुपद जो है वो क्योंकि गंभीर गायन शैली मानी गई है, तो अधिकतर इस प्रकार के राग जिसमें कि विस्तार किया जा सकता हो, जो जिसमें कि इस प्रकार के शांत और गंभीरता जिसमें झलकती हो, उसमें ध्रुपद अधिक मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई राग ऐसा हो जो गंभीर ना हो, थोड़ा मधुर हो या कम गंभीर हो उसमें ध्रुपद नहीं, ऐसी बात नहीं, ध्रुपद मिलते, लेकिन अधिकतर ध्रुपद जो है उसमें जो जिस जिन रागों में विस्तार किया जा सके, यानी जिस जिसमें मंद्र मध्य तार तीनों में विस्तार हो, जैसे भोपाली है, बागेश्वरी है, या फिर मालकोंस है, या मियां मल्हार है, दरबारी है, भैरव है, इन रागों में तोड़ी है, इन रागों में ध्रुपद जो है वो बहुत ही सुंदर ध्रुपदों का संग्रह जो है वो मिलता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये ध्रुपदों की ये विशेषता थी। और ध्रुपद में किसी प्रकार का, जैसे हम कहते हैं, हमने थ्रू आउट नियम का पालन करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमने इसमें बिल्कुल नहीं करने, तभी तो ये शैली जो इसको शुद्ध माना गया कि इसमें क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी तो है लेकिन वो दूसरी तरीके से, उसको एक अनुशासन और एक नियम के अनुरूप रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं कि हमने उन नियमों को क्रॉस नहीं करना, उसके अंतर्गत ही हमने रहना है। चौताल है इसका अधिकतर, सूलपाक है, जैसे तीव्रा, ये सब तालें मैंने आपको बताई, इसमें इनका प्रयोग ध्रुपद की संगत के रूप में जब पखावज में इन तालों का प्रयोग किया जाता है। और इन विशेषताओं के साथ साथ ध्रुपद जो है उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ध्रुपद जो है उसमें पहले के जो ध्रुपद थे उसमें स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोगी चारों भाग जो है वो मिलते थे, परंतु बाद के ध्रुपद उसमें स्थाई और अंतरा, ये दोनों जो भाग हैं यही अधिकतर हमें मिलते हैं। तो ये भी उसका एक गुण है। और आलापचारी जो है ध्रुपद का बहुत बड़ा गुण है। कुछ कुछ जो ध्रुपद के जो घराने हैं उनमें आलाप पर बहुत फोकस किया गया है, और जो आलाप की जो बात है वो ओम जो है इसका इस्तेमाल, ओम का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। ओम से ही जो रियाज जब कराया जाता है तो इस ओमकार को का जो स्मरण करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए इसका जो है अभ्यास किया जाता है, जो बड़ा साइंटिफिक है कि एक वॉइस कल्चर के उस हिसाब से हम उस दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही साइंटिफिक है। इसमें आवाज़ का जो कलाम है वो बिल्कुल सही तरीके से लगता है, तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। और इसके अलावा हम देखें आवाज़ का बुलंद होना बहुत अनिवार्य है। आवाज़ को आर्टिफिशियल आवाज़ या हम कहें सिर्फ अपने गले से गा रहे हैं, हमें क्योंकि डीप ब्रीदिंग है तो अंदर से पूरी खुली आवाज़ बाहर निकलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो भाषा है ध्रुपद की भाषा, अधिकतर इसके साहित्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा या उर्दू में या कुछ हिंदी में, इस प्रकार के ध्रुपद जो है वो हमें मिलते हैं। जैसे कि विद्वानों ने पहले भी बताया कि भाई उत्तर भारत की भाषाएं, उत्तर भारत में ब्रज भाषा जो है उसकी रचनाएं, उसकी बंदिशें हमें अधिक मिलती हैं। तो इसके बाद ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। मध्यकालीय ध्रुपदों में तीन खंड, उद्ग्रह, ध्रुवक और आभोग, ये तीन खंड थे। इसी से आगे चलकर जो है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये चार खंड बन के, और उनमें से स्थाई और अंतरा आज के युग में जो है वो बहुत अधिक प्रयोग में गाते समय इसको किया जाता है। तो ये ध्रुपद की एक विशेषता थी। आवाज़ की शुद्धता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जिस प्रकार हम लाइट म्यूज़िक गाते हैं आवाज़ को थोड़ा सा आर्टिफिशियल बना के, वो ध्रुपद गायन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं मानी गई है। तो ये तो थी ध्रुपद की विशेषताएँ। ध्रुपद गायन शैली जो है इसके चार मुख्य तरह से इसकी बानियाँ कही गई है, मतलब स्टाइल ऑफ ध्रुपद सिंगिंग। तो बानियाँ जो हैं इसकी चार कही गई हैं, ये हैं गोबरहार बानी, नोहार बानी, खंडार बानी और डागुर बानी। तो ये बानियाँ जो थी ये बहुत ही पॉपुलर रही हैं ध्रुपद गायन शैली में, और आज भी इन बानियों का जो है वो उस परंपरा से जो ध्रुपद गायक ध्रुपद का गायन करते हुए हमें आज भी उनको हम देख सकते हैं, उनको हम सुन सकते हैं।
तो ये हम देखें कि इन वाणियों की जो खासियत क्या रही, इन ध्रुपद की वाणियों की, इनको देखें, गोबरहार वाणी जो है इसके निर्माता, इसके प्रवर्तक जो थे वो तानसेन, मियाँ तानसेन को माना जाता है। इसके लक्षण क्या थे? ये थे स्पष्टता, मींड युक्त थी ये, जिसके कारण लय विलंबित, और शांत, गंभीर और भक्ति रस प्रधान, ये नौ गोबरहार जो वाणी है ये इसकी विशेषता रही है, उस इन सब विशेषताओं को लिए हुए हैं। अब खंडार वाणी, कुछ लोग कहते हैं कि तानसेन या तानसेन जी से इसको जोड़ते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो नौबत खां या मिश्री सिंह जो है इनके, इनको इसका, इस वाणी का प्रवर्तक मानते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो हैं घनी गमक, स्वर समूह को खंड खंड करके गाना, तभी इसको जो है खंडार वाणी कहा गया है, और अधिक पंक्तियुक्त बंदिशें जो हैं इसमें आती हैं, लय जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ी हुई लय जो है इसमें, इस खंडार वाणी की विशेषता है। तो ये तो थी खंडार वाणी। इसके अलावा नौहार वाणी जो थी, ये भी ध्रुपद गायन की एक वाणी थी, जिसको कि जिसके प्रवर्तक नौहार वासी श्रीचंद माने गए हैं। ये वाणी सरल और आकर्षक थी, एक स्वर से दो या तीन स्वरों का लंघन कर परिवर्तित स्वर पर पहुंचना इसका लक्षण था, यानी उसको दो या तीन स्वरों को लांग कर जो नेक्स्ट स्वर है उस पर जाना, जो इसका विशेष, जो इसका स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है नौहार वाणी का रहा है। गंभीर, गमक युक्त, सरलता, करुणा और व शांत रस, ये इसकी विशेषताएँ रही हैं। अब जो चौथी वाणी जो है वो है डागुर वाणी। डागुर वाणी जो है ये राजपुताने के डागुर के जो निवासी थे श्री ब्रजचंद, इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ये आज भी देखिए डागुर घराने के जो हैं ध्रुपद गायक आज भी बहुत ही विश्वविख्यात हैं। तो ये इस गायकी में क्या विशेषता थी, देखिए गति इसकी सहज थी, सरल थी, लय विलंबित और मध्य लय जो है इसमें ध्रुपद गायन होता था, शब्दों का बाहुल्य होने के कारण यह काव्य अभिव्यक्ति व्यंजक होती है, यानी जो इसका काव्य, इसका जो साहित्य था उसमें अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति जो थी वो एकदम स्पष्ट थी। ऐसा नहीं कि औरों में नहीं थी, लेकिन इस गायकी की जहाँ तक बात करते हैं इसमें साहित्य को भी उतना ही महत्व दिया जाता था है जितना कि संगीत को। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओम का उच्चारण करके जो है अभ्यास को आरंभ कराया जाता है, उसको ओम का ही उच्चारण करके आगे आलापचारी को बताया जाता है, अभ्यास जो है वो उसमें ओम का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्तमान समय में भी इस गायकी के, इस वाणी के जो गायक हैं वो बहुत अधिक विख्यात हैं। आप रिकॉर्ड्स में, आप जो है आर्काइव्स में, और आप आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पर इस वाणी के गायकों को सुन सकते हैं, और ऐसा उनको सुनने के बाद जो विशेषताएं मैंने आपको बताई ये आपके सामने और अधिक स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो थी चारों वाणियाँ जो हैं, और इन चारों वाणियों के बारे में देखिए क्या कहा गया है। तान मियाँ तानसेन कृत ध्रुपद में चारों का वर्णन किस प्रकार से है, जोर जोर से खंडार गावें, मधुर बोल को नौहार लेवें, सांस बड़ी है गोबरहार की, आलापचारी है डागुर की। तो देखिए सारी जो इनकी विशेषताएं हैं ये एकदम इन चार पंक्तियों में बिल्कुल परिलक्षित हो जाती हैं। ज़ोर ज़ोर से खंडार गावे, यानी वहाँ आवाज़ का जो लगाव है बहुत ज़ोरदार तरीके से होता है, और नौहार में थोड़ा मधुरता को ध्यान में रखा जाता है कि भाई मधुर जो है वो लगे, तो आवाज़ को बहुत अधिक बुलंदगी से या बहुत अधिक ज़ोर से नहीं लेना। सांस बड़ी है गोबरहार की, इस वाणी में सांस का इस्तेमाल जो है, ब्रेथ जो है काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको लिया जाता है। जो उसके अलावा आलापचारी जो है, आलापचारी पे विशेष जो विशेषताएं हैं ये डागुर वाणी की जो है आलापचारी प्रमुख है। तो पहले समय में एक कहा जाए कि सूत्र के रूप में चीज़ों को रख दिया जाता था, यानी कि जो भी विशेषताएं उनको दो पंक्तियों में, चार पंक्तियों में उनको एक सूत्र की तरह बता दिया जाता था, जिससे कि वो पंक्तियाँ याद करने के साथ साथ उस जिस विषय के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसकी भी विशेषताएं जो है वो याद हो जाती थी।
तो ये तो थी अलग अलग जो बानियाँ जो थी ध्रुपद गायन की उसके बारे में। अब जहाँ तक हम ध्रुपद की बात करते हैं, एक और विशेष विशेषता जो सामने आती है वो है ध्रुपद गायन करते समय दोगुन तिगुन चौगुन ये जो है इन ये ध्रुपद गायकी में बहुत ही पॉपुलर है। यानी कि हम जो स्पीड तबले पर जो ठाए की जो लय चल रही है उसके डबल स्पीड में, थ्री टाइम्स ट्रिपल स्पीड में या फोर टाइम्स जो उसकी स्पीड है उसमें हम बंदिश को गाएं, उसी बंदिश को जो कि हम बिल्कुल हमारा जो प्लेन जो हमारी जो बेसिक जो उसकी लय है, बेसिक जो उसकी उसका जो टेम्पो है उसको हम गाते हैं, उसके साथ साथ उसी लय में यानी पखावज पर जो है वही ताल उसी लय में चलेगी, लेकिन दुगुन यानी हम डबल स्पीड में जो है बंदिश को गाएंगे। तो इसी प्रकार से थ्री टाइम स्पीड में या फोर टाइम स्पीड में हम बंदिश को गाएंगे, तो वो चीज़ जो है इसमें बहुत सुंदर तरीके से जो है ध्रुपद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उपज, उपज यानी जैसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी जो है वो आती है उसमें, इस प्रकार की आलापचारी का सहारा लेते हुए दुगुन तिगुन चौगुन की जो लय हैं उनका सहारा लेते हुए एक तरह से अपनी क्रिएटिव अपना एक नया कुछ उसमें करके दिखाते हैं। तो इसीलिए उसका शब्द है जो शाब्दिक उसको परिभाषा दी गई है वो उपज कही गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्रुपद में, और लयकारी यानी जो पखावज है उसके ताल में जो वो लय है उसके साथ ध्रुपद के जो बोल हैं उनको एक तरह से सांगीतिक भाषा में कहते हैं कि लय से खेलना, यानी उस लय में शब्दों का जो है उसका प्रयोग करना, उसके उस राग की शुद्धता को ऑफकोर्स ध्यान में रखते हुए हम जो है उस उन शब्दों से जो है लयकारी करते हैं। तो ये ध्रुपद के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो कोशिश करते हैं हम ध्रुपद जो है उसमें ये दुगुन तिगुन चौगुन जो है उन लयों को जान गा कर देखें प्रैक्टिकल वे में जहाँ तक हम उसकी बात करते हैं। तो राग बागेश्वरी, इसके बोल भी बहुत सुंदर हैं, शब्द हैं आए रघुवीर धीर अयोध्या नगर सो लंका पति हनन कीनो राज दिए विभीषण को। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा भक्ति प्रधान है कि जब लंकापति रावण का वध करके प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं अपने सिया के साथ और उसका पूरा वर्णन देखिए, आए रघुबीर धीर अयोध्या नगर को लंकापति हनन कीनो राज दिए विभीषण को। राज किसको दिया उन्हें, लंका का राज उन्होंने विभीषण को दिया। अब राम दरबार जो हम अक्सर देखते हैं उसमें क्या है, सिंहासन पर बैठे सीता राम चंद भरत, यानी सिंहासन पर प्रभु श्री राम सीता जी के साथ जो हैं वो विराजमान हैं और साथ में भरत भी वहाँ पर हैं। शत्रुघ्न चवर झुलावे, भरत और शत्रुघ्न जो हैं ये दोनों भाई जो हैं वो चवर जो है झुला रहे हैं और आगे हनुमंत भी, और उनके आगे कौन बैठे हैं, हनुमान जी उनके आगे बैठे हैं। तो ये एक तरह से जैसे मैंने बोला कि भक्ति प्रद है ये इसका जो विषय वस्तु है वो भक्ति से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बंदिश में जो इससे पहले भी जो बंदिश मैंने राग भोपाली में जो प्रस्तुत की उसमें भी भक्ति रस जो है वो नज़र आता है, यहाँ पर भी भक्ति रस जो है वो नज़र आ रहा है, अर्थ आपको स्पष्ट है। अब इसको हम गाकर आपको बताते हैं कैसे इस बंदिश को गाया जाता है, दुगुन तिगुन चौगुन किस प्रकार से ली जाती है। Yeah.
रघुबीर धीर अयोध्या नगर को लंका
प्रजापति हनन कियो राज दियो विवेकन को आए र भूवीर धीर आए अब ऊपर उपज में देखिए अपनी क्रिएटिविटी आएगी धा दिन ता एक धा दिन ता एक कत गई आए रघु वीर धीर आए रघु वीर धीर आए रघु वीर धीर आए रघु वीर धीर धीर आए रघु वीर धीर आए रघु रघु वीर धीर आए रघु वीर धीर आए 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 रघु वीर धीर आए रघु वीर रघु वीर धीर आए रघु वीर धीर आए रघु अयोध्या नगर को आए रघुवीर धीर आए रघुवीर धीर आए रघुवीर तो इस प्रकार से जो है ध्रुपद में दुगुन तिगुन चौगुनिया उपज की जाती है क्योंकि जो ध्रुपद गायक हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से आपको उदाहरणों से जो चीज़ समझ में आएगी वो शायद सिर्फ एक एक लेक्चर के तौर पर देने से वो चीज़ उतने अच्छे से समझ में नहीं आती तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको प्रैक्टिकल वे में आपको बताया जाए तो उम्मीद करती हूँ कि ध्रुपद के बारे में ध्रुपद क्या है उसकी क्या विशेषताएं हैं क्या किस प्रकार से उसका ताल का उसमें प्रयोग होता है किस प्रकार से उसमें दुगुन तिगुन चौगुन उपज की जाती है और उसका इतिहास क्या है उसके बारे में क्या क्या जो इतिहासकारों ने जो संगीतज्ञों ने कहा है और किस प्रकार से वो जो है मध्यकाल से होती हुई आधुनिक समय में किस प्रकार से उसका रूप रहा है कौन कौन से उसकी घराने हैं या उसकी शैलियों की जो बानियां हैं वो सब आपको मैंने विस्तृत रूप में बताया उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है समझ में आया होगा आप अब जो ध्रुपद जो सुनेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स को जो अटेंड करेंगे उसको और अधिक अच्छी तरीके से उसको इंजॉय कर पाएंगे तो इसी के साथ हम एक बार फिर से शुक्रिया देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी जी का कि आज इन्होंने हमें विस्तृत जानकारी दी ज्ञान दिया ध्रुपद गायकी के बारे में ध्रुपद शैली के बारे में तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं info.cec@nic.in पर आपसे फिर मुलाकात होगी और सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल बाबू राय जी और गगन जी साथ देने के लिए साथ निभाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से फिर मुलाकात होगी नमस्कार नमस्कार